इसके माध्यम से आपके लिए एक सुनिश्चित सरकार खरीदती है, उसमें आपका एक 4% मतलब 20% का 20% सुनिश्चित है, जो करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास है। 2 लाख करोड़, अगर 1-1 करोड़ का 1-1 उद्यमी हमारे समाज से युवा बनता है तो 2 लाख उद्यमी बनेंगे। आप इस चीज को इम्पोर्टेंस दीजिए, उद्यमिता में जाइए, क्योंकि सरकारी नौकरी इन्होंने दूसरे तरीके से खत्म कर दी है। तो आपका अधिकार 2012 से शुरू हुआ था और आज उसकी स्थिति है वो 4% आज तक पूरा नहीं हुआ, मतलब 0.5% 2012-13 में था और आज 18 में वो 0.5% से भी कम है कि हमारे उद्यमियों से खरीदा नहीं जाता। और खरीदा इसलिए नहीं जाता, एक तो तादाद में कम है और तादाद में भी कम से हमारी इच्छा नहीं है कि जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन हमारे लिए लगाई हुई है उन पर हम कोई लड़ता नहीं है। हम साथियों ने टेन एम्पावरमेंट नेटवर्क के माध्यम से युवा साथियों के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन में टर्म्स एंड कंडीशन मिल करा दी है और उसके माध्यम से आपके 10 युवा उन्होंने रोजगार शुरू करा है, जिनका 6 महीने का टर्नओवर मैं आपको बता दूं तो 10 या 12 लाख का उन्होंने कर लिए हैं गवर्नमेंट को अपनी सर्विस और प्रोडक्ट बेच के। और ये मतलब इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप आज नहीं इसमें संसाधनों पे अपना कब्जा करेंगे तो आपकी पॉलिटिक्स भी मुझे लगता है संसाधनों से ही प्रचारित होगी, आपका जो धर्म है वो भी संसाधनों से प्रचारित होगा। नहीं तो हम जिसे कहते हैं ना डिफेंसिव मोड में रहते हैं कि अरे मेरा आरक्षण जा रहा है, मेरा वो पीट दिया, मेरा ये कर दिया। आपको ये मांग 4% तो पूरी करनी चाहिए, उसके बाद इससे और ज़्यादा मांगना चाहिए, तब जाके ये लोग आपको कुछ देंगे। इसकी तरफ बिल्कुल कोई भी वक्ता बोलता नहीं है और ये युवाओं की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों का कैरियर है, आप लोगों को इस पर मतलब गंभीरता से सोचना होगा। आप भी सोचेंगे तो क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने तो जॉब ले ली है और उसके बाद जॉब है नहीं, 2-2 साल से SSC के रिजल्ट नहीं आए, UPSC एक 900 सीट होती थी अब 500-600 रह गई हैं, SSC का रिजल्ट नहीं आ रहा, UP पुलिस का रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो आप देखो जिनकी ओवर एज हो गई है वो कहाँ जाएंगे, आप इसको गंभीरता से लीजिए। मैं यही चाहूँगा कि 2012 का एक्ट है, ये MSME एक्ट है 2012 पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, इसमें 4% आप लोगों के लिए खरीद सुनिश्चित है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ें और जानें और इसको अमल में लाएं और बिजनेस में उतरें और अपनी भागीदारी बिजनेस में बढ़ाएं। मैं चाहूँगा तभी हम लोग बाबा साहब का जो मिशन है रिप्रेजेंटेशन का, बाबा साहब अधिकार अपनी रिप्रेजेंटेशन की बात के लिए कह के गए थे उसको पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।